सारी बोन्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर हैं। इनके बीच में जो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, इसको हम डिस्क कहते हैं। ये बहुत सारी डिस्क होती हैं जो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती हैं। और ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड है, यानी कि ये नर्व्स हैं जो ब्रेन से स्टार्ट होकर पूरे हमारे लेग्स तक जाती हैं। एक नॉर्मल डिस्क को अगर हम देखते हैं, तो डिस्क और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में काफ़ी स्पेस होता है, लेकिन जब डिस्क अपनी जगह से खिसक जाती है, यानी कि पीछे की तरफ चली जाती है, तो वो नर्व के ऊपर प्रेस करती है। अब आप यहाँ देखिए, ये L5-S1 लेवल है। इसमें जो डिस्क है वो पीछे की तरफ बल्ज कर रही है, प्रोलैप्स हो गई है, और इसने नर्व्स को पूरा प्रेस कर दिया है। इसी की वजह से पेशेंट को लेग्स में पेन होता है, जिसको हम शियाटिका कहते हैं। तो प्रशांत जो हमारे पेशेंट हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनको भी राइट साइड में शियाटिका था, राइट साइड में रेडिएशन थी, जिसके लिए हमारे पास आए थे। MRI का एक और सेक्शन है, ये डिस्क है, आप देख रहे हैं, ये पूरा डिस्क है। ये स्पाइनल कॉर्ड है, जिसको हम ट्रांसवर्स सेक्शन में देख रहे हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों तरफ, यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड में एक नर्व जा रही है। ये स्पेस खाली है डिस्क और बोन के बीच में, जहाँ से हमारी नर्व ट्रेवल करती है। आप इस लेवल पे देखें, इधर भी स्पेस है और लेफ्ट राइट और लेफ्ट दोनों तरफ स्पेस बना हुआ है। अब हम चलते हैं L5-S1 में, जहाँ पेशेंट को प्रॉब्लम है। आप ये देखिए, डिस्क पूरा पीछे आ गई है, इसने पूरा रास्ता जो राइट साइड का जो कैनाल है उसको पूरा ब्लॉक कर दिया है। लेफ्ट साइड में अभी भी ओपन है, तो इसलिए पेशेंट को लेफ्ट साइड में कोई सिम्टम नहीं है। पेशेंट की, क्योंकि राइट साइड के कैनाल ब्लॉक्ड है, तो पेशेंट को राइट साइड में शियाटिका हो रहा है। जब भी पेशेंट 10, 20, 50 मीटर चलते हैं, उनको सीवियर पेन होता है और पेशेंट का पैर सुन्न हो जाता है। नमस्कार, आज हम अपने एक नए पेशेंट के साथ हैं, प्रशांत के साथ। इनको PIVD यानी कि स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है। पिछले 2 साल से इनको कमर में दर्द चल रहा था और पिछले 8 महीने से ये दर्द अब राइट लेग में आने लग गया है, जिसको हम रेडिएशन कहते हैं। पैर में थोड़ा सुन्नपन भी है और वीकनेस भी है। प्रशांत, क्या दिक्कत आ रही है डेली लिविंग में? मेरे को ज्यादा दूर चल नहीं मिलता है, जैसे थोड़ा 5 मिनट भी चला उसके बाद मेरे पेन होने लगता है। तो बैठना पड़ता है? बैठना पड़ता है। पैर भारीपन या सुन्नपन भी रहता है? हाँ, सुन्नपन रहता है। तो फिर काम कैसे करो, जॉब कैसे करते? जॉब इस चक्कर में कम से कम 6 महीने हो गए मुझे बेड रेस्ट करते करते। अच्छा, तो अभी तक क्या ट्रीटमेंट लिया आपने? अभी तक मैंने मेडिसिन तो बहुत ली, लेकिन कोई रिलीफ नहीं हुआ। थोड़े 1-2 दिन आराम हो जाता है, फिर उसके बाद में पेन किलर छोड़ देते हैं, उसके बाद वैसे ही हो जाता है। प्रशांत बरेली से आया हमारे पास, एंड थैंक्स टू हिज सिस्टर जो प्रिंसी यहाँ रहते हैं दिल्ली में। प्रिंसी, क्या उम्मीद है आपको ऑपरेशन से? सर, आपके पास आए हैं, पूरी 100% श्योरिटी रहेगी, सारी चीजें अच्छे से हो जाएंगी, वो ऑपरेटिंग का अच्छे से होगा, बाद में सारी अपनी वर्किंग लाइफ इनकी और सारी लाइफ सेटल हो जाएगी। आप हमारे पास क्यों आए? सर, नेट पर देखे थे आपके वीडियोस वगैरह। क्या मतलब आपको ऐसी क्या चीज लग रही है इस टेक्निक में? सर, मेन चीज लग रही है कि आपने जिस तरीके से समझाई ना चीजें, कि इस तरीके से ये कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है, क्या क्या पॉजिटिव रिजल्ट रहेंगे, क्या क्या चीज सही हो जाएगी, वो मेन चीज वही है। तो पेशेंट आजकल पूरा रिसर्च करते हैं डिजीज के बारे में, ऐसा नहीं है कि कोई ब्लाइंड फेथ से आते हैं। पूरी नॉलेज, पूरी डिजीज और ट्रीटमेंट का उनके पास आजकल नेट पर, वी शुड बी वेरी थैंकफुल सोशल मीडिया में, जिसमें सारी चीजें अवेलेबल हैं। तो एंडोस्कोपिक टेक्निक से हम प्रशांत की सर्जरी आज प्लान कर रहे हैं, और आज ही शाम तक मुझे उम्मीद है कि प्रशांत बिना पेन के अपने आप चलकर वॉशरूम तक जा पाएंगे। उसका वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये मेरी टीम और मेरा प्रॉमिस है कि हम प्रशांत को एक बेस्ट रिजल्ट देंगे, ताकि ये और इनका जो पूरा परिवार बरेली से आया है, ये खुश होकर जाएं और ये विश्वास ऐसे ही बढ़ता रहे। थैंक यू। तो प्रशांत से हम मिले थे सर्जरी से पहले, इनकी फैमिली से मिले थे, और इनके क्या क्या तकलीफ हैं, क्या डर है मन में, उन सब के बारे में हमने बात की थी। प्रशांत की सर्जरी को 2 दिन हो गए, आज ही हमारे पास ड्रेसिंग कराने के लिए आए हैं।
इनके साथ योगेश जी हैं जो लॉयर हैं। तो योगेश जी, मैं आपसे पूछूंगा कि स्पाइन सर्जरी जब भी एक आम आदमी बात करता है तो मन में क्या क्या डर होता है, क्या सोचता है इंसान, क्यों नहीं कराऊंगा मैं स्पाइन सर्जरी? जनरली जो पूरी बॉडी का मेन पार्ट है वो स्पाइन से ही, स्पाइन ही बिल्कुल ठीक है, और स्पाइन से बॉडी का हर पार्ट जुड़ा होने के नाते इंसान को सबसे बड़ा डर ये होता है कि कल को मैंने अगर ऑपरेशन कराया और ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो उस कंडीशन में मेरी बॉडी पूरी पैरालिसिस हो जाएगी। दिस इज द मेन थिंग जो इंसान को डर होता है, क्योंकि सब कुछ स्पाइन है, ये मेन डर है। तो यही रीजन है कि जब भी हम स्पाइन सर्जरी की बात करते हैं पेशेंट हेजिटेट करता है, पेशेंट सालों साल सफर करता रहता है, पैर सुन हो जाते हैं, फुट ड्रॉप हो जाता है, यूरिन में प्रॉब्लम आ जाती है। इसमें पेशेंट की गलती नहीं, इसमें गलती है कि हम पेशेंट को एजुकेट नहीं करते हैं। और ये जो हम वीडियोस आपको दिखाते हैं इसका मतलब यही है कि आप एक प्रॉपर डिसीजन ले सकें, आप अननेसेसरीली डर के मारे सफर ना करें। अब जैसे प्रशांत की सर्जरी हुई है, ये हमने एंडोस्कोपिकली किया है, इसमें हम आपको फर्स्ट डे में जैसे सर्जरी के कुछ घंटे के बाद ये चलने शुरू हो गए थे वो वीडियो भी दिखा रहे हैं आपको। इनका आप साइज ऑफ इंसिजन यानी जो कट इनका लगाया गया है वो बिल्कुल एक थंब नेल के साइज का कट है। तो जो पेशेंट के मन में होता है कि बहुत सारी ब्लीडिंग हो सकती है, बेड रेस्ट की जरूरत पड़ती है या आईसीयू में जाना पड़ सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है आजकल। आजकल ये सारे ऑपरेशन दूरबीन से होते हैं। अब प्रशांत बताएंगे कि सर्जरी के बाद आपको क्या फायदा होगा। सर्जरी के बाद मेरे को जो पेन रहता था लेग में वो पेन नहीं है और चल रहा हूँ तो भी आराम है, कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। पहले मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी चलते समय। आपको जैसे जहाँ हमने ऑपरेशन किया है उस जगह पे कितना दर्द है? उस जगह पे बस एट अ टाइम ही थोड़ा बहुत था पेन, उसके बाद अब नहीं है। तो किसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं है, कोई बेड रेस्ट की जरूरत नहीं है, ये डे वन से चल रहे हैं, टॉयलेट जा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं और बहुत जल्दी ये ट्रेवल भी कर सकते हैं और अपने ऑफिस में ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ प्रशांत और इनकी फैमिली का कि इन्होंने ये वीडियो हमारे साथ रिकॉर्ड किया और हमें परमिशन दी कि इसको हम इंटरनेट पर डाल सकें ताकि सब लोगों को जिनको भी स्पाइन की प्रॉब्लम है इससे कुछ फायदा हो। थैंक यू वेरी मच।